ये जो सेगमेंट बन रहा है कितने दिन में तैयार हो जाता है अप्रोक्सीमेटली? एक सेगमेंट अगर जाली याद गिरा तो लगभग 4 से 5 दिन में एक रेडी हो जाता है। 4 से 5 दिन के अंदर में एक रेडी। लॉन्चिंग का काम क्या चल रहा है, लॉन्चिंग का काम कैसा चल रहा है अभी? लॉन्चिंग का भी काम चल रहा है तेजी से, लॉन्चिंग का काम तो तेजी रखा हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए दोनों जैक को अटैच कर दिया गया है, और यहाँ पर देख लीजिए केबल डाल करके मास्टर वेजेस भी ठोक दिया गया है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज के कास्टिंग यार्ड में। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पर सेगमेंट किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से सेगमेंट बनता है, सेगमेंट किस तरह बनता है उसका क्या प्रोसेस है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने का कोशिश करूँगा। सो मेरे सामने देख सकते हैं कितने सारे बेड लगा हुआ है। बेड का मतलब ये हुआ जो सेगमेंट बनना है इसका, देख लीजिए यहाँ पर एक बेड बना हुआ है, बेड के ऊपर ही देख लीजिए ये सरिया का जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो आपको सरिया दिख रहा है, जाली नुमा जो दिख रहा है, वही सेगमेंट का शेप ले लेगा जब इसको कंक्रीटिंग का काम हो जाएगा, जब ये ढलाई हो जाएगा तो ये इसका ढलाई का देख लीजिए ये शेप ले लेगा। यहाँ पर काम चल रहा है और मैं आप लोगों को इधर दिखाऊं, ये देखिए एक सेगमेंट बनके तैयार है, इसका ढलाई कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए शटरिंग के ऊपर ये समझ लीजिए बेड के ऊपर रखा हुआ है, मटेरियल है उसके ऊपर रखा हुआ है, देख लीजिए काफ़ी हेवी सेगमेंट यहाँ पर देख लीजिए बनके तैयार है। और किस तरह से बनता है वो देख लीजिए, जस्ट उसके बाजू में ही देख लीजिए इसके आगे का जो ये पर्सन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पूरा एंगल का जो बेड दिख रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर में देख लीजिए सरिया बांधी किया हुआ है। इस तरह से पहले सरिया बंधी कर दिया जाता है, मतलब जो जिसका जिसका डिज़ाइन बनना है, जिस तरह से ये दिख रहा है आपको इसी हिसाब से इसका जो सरिया बंधी होता है, देख लीजिए सरिया बांधने के बाद इसमें देख लीजिए इसको पहले ही जो है सो कंक्रीटिंग कर लिया था, इसको स्टर्ड बीम बोलते हैं। ये जो बीम आप लोगों को दिख रहा है, अंदर भी आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये जो बीम आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पर जो ज्वाइंट हुआ है, मैं ये देखिए यही बीम है और यहाँ पर देख लीजिए इसका ज्वाइंट है और यहाँ पर देख लीजिए इसका सरिया भी है। तो बीम को जो है सो कंक्रीटिंग करने से पहले ही डाला जाता है, इसको एक्चुअली पहले बना लिया जाता है। अब बनाने के बाद देख लीजिए दो और दो चार स्टड बीम लगा हुआ है, जो कि दो अंदर के साइड है, दो बाहर के साइड, एक ये साइड हो गया और एक उसके दूसरे तरफ है। और इसका देख लीजिए जाली नुमा बना हुआ है और इस ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देख लीजिए ये पूरा सरिया बांधी करके तैयार है। इसका थोड़ा क्लीनिंग का काम बचा हुआ है, काफ़ी टाइम से सरिया बांधी करके रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जो मैं बेड के अंदर आप लोगों को तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सेगमेंट का शेप ले लेगा जब ये कंक्रीटिंग का काम हो जाएगा। काफ़ी जगह पे काम चल रहा है, यहाँ तो कास्टिंग यार्ड है और इधर में देख लीजिए काफ़ी सारा सेगमेंट बन के भी तैयार है और काफ़ी सारा सेगमेंट जो है स्टॉक में भी रखा हुआ है, सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख लीजिए यही वो कास्टिंग यार्ड है जो कि कच्ची दरगाह बिदुपुर का पुल का जो निर्माण हो रहा है और यहाँ पर ही सेगमेंट बनता है। सामने का एक पाया भी दिख रहा है मुझे, ये देख लीजिए 20 नंबर का पाया भी मेरे सामने दिख रहा है। तो आइए मैं संदीप भाई से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए संदीप भाई यहाँ पर खड़े हैं। संदीप भाई कैसे हैं? ठीक है। सब बढ़िया है ना? बढ़िया। और क्या चल रहा है इधर में? बस चल रहा है, काम ऐसे ही चल रहा है, सेगमेंट बनाने का काम हो रहा है यहाँ पर। ये तो कास्टिंग यार्ड है ना पूरा? भाई 6 लेन जी, वो तो बन रहा है 6 लेन को तो सबको पता है, लेकिन ये जो सेगमेंट बन रहा है कितने दिन में तैयार हो जाता है अप्रोक्सीमेटली? एक सेगमेंट अगर जाली याद गिरा तो लगभग 4 से 5 दिन में एक रेडी हो जाता है। 4 से 5 दिन के अंदर में एक रेडी हो जाता है जी। आप लगे रहिए और बनाते रहिए सेगमेंट। और लॉन्चिंग का काम क्या चल रहा है, लॉन्चिंग का काम कैसा चल रहा है अभी? लॉन्चिंग का भी काम चल रहा है तेजी से, लॉन्चिंग का काम तो तेजी से चल रहा है। लॉन्चिंग का काम अभी थोड़ा तेज़ी हो गया है पहले के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, धन्यवाद आपका। चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं यहाँ का जो कास्टिंग यार्ड है वो कहाँ पर कितना सारा सेगमेंट रखा हुआ है स्टॉक में, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक तरह से बेड इसका तैयार है, ढला इसी तरह से होगा। शटरिंग देख लीजिए नीचे साइड से लगा हुआ है, जो कि प्लेट आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें शटरिंग लग चुका है और इसके ऊपर से जो है समझ लीजिए ढलाई होगा, जो कुछ काम इसमें बचा हुआ है वो होने के बाद। और मैं आप लोगों को दिखाऊं बहुत सारा सेगमेंट जो है स्टॉक में भी रखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। और सामने का जो पाया दिख रहा है देख सकते हैं ये 20 नंबर का पाया है, उसके बाद 19 नंबर का पाया है जो कि आप इधर साइड में देख पा रहे होंगे। 19-20 नंबर में भी काम चल रहा है और देख लीजिए ये 21 नंबर का पाया सामने आप लोगों को दिख रहा है, उसके बाद 22 नंबर में भी काम चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर वर्क जो है चल रहा है। और ये देख लीजिए इधर में बेचिंग प्लांट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शटरिंग लगा हुआ है, जो कि देख पा रहे होंगे
किस तरह से इसका शेप है। और यहाँ पर देख लीजिए जैक भी लगा हुआ है जो कि लिफ्टिंग जैक बोलते हैं इसको। और ये जैक जो है सो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग चारों साइड में जो शटरिंग है इतना वेट इतना भारी होता है, उसकी वजह से यहाँ पर लगाया गया है जैक को। और जैक के माध्यम से जो है शटरिंग को नीचे ऊपर इसको लेकर के कर लिया जाता है, सेटिंग कर लिया जाता है। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। लीजिए बेचिंग प्लांट है, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है, मिलर वाली गाड़ी जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बूम प्रेशर किरण वगैरह बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। ये LNT एंड देवू का मटेरियल यहाँ पर देख लीजिए रखा हुआ है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा, देख लीजिए यहाँ पर जो है जैक का एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दो पावर पैक मतलब दो पंप जो है यहाँ पर रखा हुआ है और दो जैक भी रखा हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये एक यूनिक चीज़ है और एक नया चीज़ है आप लोगों के लिए। ये चीज़ आप लोग कभी देखा नहीं होगा वीडियो के माध्यम से, कोई दिखाता भी नहीं और पूरे यूट्यूब पर भी ये वीडियो बहुत ही नहीं मिलेगा समझ लीजिए लगभग। क्योंकि ये देखिए जैक एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यहाँ पर मशीन रखा हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए दोनों जैक को अटैच कर दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए केबल डाल करके मास्टर वेजेस भी ठोक दिया गया है इसके अंदर। और देखिए ये एक्चुअली दो जैक है और दोनों जैक का जो ये केबल डाला हुआ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे ये केबल जो डाला हुआ है इसको ही दो समझ लीजिए दोनों जैक, मतलब एक जैक में लोड दिया जाएगा तो समझ लीजिए दूसरे जैक पर लोड आएगा, जैक पर बोले तो केबल के ऊपर ही लोड आएगा। ये केबल का जो है ना एफिशिएंसी टेस्ट होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी मास्टर वेजेस लगा हुआ है। अब मान लीजिए हमने इस तरफ से अगर इसको लोड देना है तो वो वाले मास्टर वेजेस पर लोड आएगा। इसी तरह से जो है इसका कैलकुलेशन होता है और एफिशिएंसी टेस्ट होता है ड्राइंग के मुताबिक जो साइड के रिक्वायरमेंट होते हैं। ये भी एक नया चीज़ है, देख लीजिए ये कास्टिंग यार्ड में ही एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप लोगों को ऊपर दिखाया था उसका नीचे से ये देख लीजिए इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ पर देख लीजिए शटरिंग लगाने का जो काम है वो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सरिया भी दिख रहा होगा आप लोगों को। सेगमेंट का काफ़ी लंबा चौड़ा है क्योंकि ये 32 मीटर चौड़ा बन रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका पूरा शटरिंग लगा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए शटरिंग का जो काम है अरेंजमेंट हो रहा है। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं और कितना सारा सेगमेंट है वो भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।